है वहाँ पे। कौन है? रात को क्यों चिल्ला रहे हो यार? अरे मैंने आपकी छत पे भूत देखा है। पागल, भूत नहीं होता कोई भी। सिद्धू साहब, इनको मजाक सूझ रहा है, सच्ची में मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है। बिल्कुल साहब, मेरी बात प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बात मानो, ये सोसाइटी में भूत है और मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता। देखा, लाइट गई। और डॉक्टर साहब मेरी बात मानो, इस सोसाइटी में भूत है। हाँ। नहीं यार, जाए प्लीज मेरी बात मानो, आपने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं जा रहा हूँ बस। जाए जाए, ते भूत मतलब क्या? बेटी को किसी ने भूत कहा तो? हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी चुड़ैल है, उसका भूत कौन बोल रहा है? अरे वो तो आज मैंने बाल धोए, सोने जाई थी, मेकअप निकाली, इसलिए ऐसी लग रही हूँ। हाँ, और जिस दिन इसने होंठों पे लाल लिपस्टिक लगाई होती है ना, हाँ तो उस दिन लगता किसी का खून पीने जा रही है ये। आज ये पहला बंदा ऐसा है जिसकी शक्ल हैशटैग जैसी है, बेटी LOL लोल जैसी पैदा की। जाके चुपचाप सो जाओ, मेरी नींद खराब कर दी है। नींद तो किसी ने हमारी खराब की है, रात रात भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता रहता है। तो कोई अच्छा सा पीपल का पेड़ देख के चिपट के नहीं जाती? पापा! हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गई। अपना नंबर बोलो, हमें आ रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, पर वो थोड़ी ना रोज रोज आती है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना मुंह उठा के कभी भी रात को 3 बजे आ जाती है। वो क्या? तुमको लाटरी पसंद है, इस बात में मेरे को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मैंने बड़े लोगों को ठीक किया, लगाने के लिए खोला हुआ है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। एक मिनट, बात तो मैं, तू नहीं आती रेस्टोरेंट में, तू नहीं आती, तू क्या दुनिया में IPL होस्ट करने आई है? बातों में नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आती। मुझसे बात कर लो, मैं बातों में आ जाती हूँ। तेरा क्या है, तेरा तो मुंह भी दरवाजे में आ जाता है। कल सिद्धू जी के यहाँ आई हुई थी, कहती ताली जितनी मर्जी ठुकवा लो, पिज्जा खिला दो। ताली ठुकवाने की बात मैंने कही थी, ये तो सिद्धू साहब की गाड़ी साफ कर लेनी थी। बेटा मैं ना तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अभी तो आपने मुझे अचीवमेंट अवार्ड दिलाया है ना? अचीवमेंट अवार्ड दिलाया? तुम्हें कोई विजिटिंग कार्ड नहीं देता, अचीवमेंट अवार्ड तुझे कौन देगा? बात तो ठीक है। पापा कीप क्वाइट, तुम्हें कैसे पता कितने लोग इस अचीवमेंट के पीछे घूमते रहते हैं? पता है मेरे को घूमे गई, पान वाले से पान खा के पैसे नहीं देती, कहती मेरे को एक आध आंख मार लो। अरे झूठ बोले, मैं पान मान नहीं खाती। अब बड़ी गंदी गंदी चीजें डलवाती है ये पान में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गप्पू। ज्यादा बोलेगी तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा, ये पान वाले के साथ चिल्लम पीती है। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, भूत को इतनी रात को हंसी क्यों आ रही है यार? बेटे एक काम कर, हाँ? मेरे लिए ना एक गिलास पानी कर ले गया। अच्छा। ये कुर्सी क्यों हिल रही है? लगता है इसको ठंड लग रही है। मैं इसको चादर दे देता हूँ। फीलिंग बेटर? कैन आई सिट? अब तो ठीक हो जा। पानी ले आए बेटे।
पापा, पानी। तो ये पानी मेरे को कौन देखेगा? मैं तो अभी लाई हूँ पानी आपके लिए। बेटी, मेरे पीछे कोई है? आपके पीछे कौन है? कोई नहीं है। बेटी तुम्हारे पीछे। तेरा बेड़ा गर्क। पापा मुझे डर लगा, कुछ करो। पप्पू खबर है, खबर है। भूत खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। दूध दूध वगैरह चलता ना, बियर वगैरह लेते क्या है? मुझे कैसे पता होगा पापा? दूध तेरा तो उठना बैठना चुड़ैलों के साथ। मैं तुझे देख लूंगा। अभी देख लो। नहीं अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं रिपीट टेलीकास्ट में देख लूंगा, मेरे को भी नींद आ रही है। नाइट, चलो बेटी, चलो चलो। बंबर, क्या है? मेरा रोमांस खराब क्यों कर दिया? आधी रात को किसी जवान लड़की के साथ टकराने का तुम्हारा क्या मतलब बनता है? ए, तेरा अपने आप को जवान लड़का कहना बनता है? वो छोड़। तुझसे पकोड़ा बनता है, समोसा बनता है, लड्डू बनता है, चाय बनता है, अपनी बीवी के साथ रिश्ता बनता है, क्या बनता क्या है तेरे से, बनता क्या है? कपूर शर्मा, मुझे बताते हुए आपको बड़ा दुख हो रहा है कि हम आपकी नानी को बचा नहीं पाए। क्या हुआ नानी को? ठीक तो है नानी? अरे वो तो अपनी जवानी में ठीक नहीं थी, अब क्या ठीक होंगी? आने तो नीचे देखती हूँ इसको मैं। अच्छा, अरे ओ मोटी, मेरे नीचे सिर्फ एक ही चीज आती है, पैर की जूती। लेकिन तेरी जबान बहुत चल रही है, सोचती हूँ तेरी जबान खींचकर अपनी पैर की जूती बनाकर पहन लूं। अच्छा, नाना के साथ अपनी जोड़ी तो बना नहीं पाई, जूती बनाएगी, झूठी कहूंगी। ये बंपर, इतना मारूंगी कि 6 महीने तक बैठ नहीं पाएगी अपनी बंपर। आप लोगों को शर्म नहीं आती इतना बड़े होकर बच्चे के तरह लड़ते हुए? इनको नहीं आती बिल्कुल भी। हमें देखो, हम कितने प्यार से रहते हैं कि नहीं। खबरदार में कपू की तरफ देखा तो। और तुम भी सोचना भी मत कपू के बारे में। बाबा, आप तो सो रहे थे। बेटी, मेरा ना लॉटरी की आवाज सुन के मेरे अरमान जाग गए। क्या हो? पापा से तमीज से बात करो। लगती क्यूट हो, लेकिन लेडीज को जब मारती हूँ ना तो बेदर्दी मारती हूँ। एक मिनट, वो जो तूने क्यूट वाली बात बोली ठीक करो उसको, जो जल्दी जल्दी बोल गई तुम। ऐसे लड़की पालने से अच्छे तो आप गलत फहमी पा लेते हैं डॉक्टर। गुड नाइट वाला डांस करना चाहता हूँ। मैंने तो कब की पाल रखी है जी गलत फहमी, आप तो मौका नहीं दे रही बस। खबरदार, अगर लॉटरी के बारे में किसी ने गलत फहमी पाली तो। शट अप, च्यवनप्राश के डब्बा खोलने के लिए ताकत की दवाई खाने वाले। ए, लगता तुम्हें फिर मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। हाँ, अब तो ये छींक भी अपने दम पे मारता है, पहले तो इतनी सी मारता था। हाँ जी, इनको ज्यादा पता क्योंकि मेरा मुंह जो साफ करते हैं ये। हाँ तो तू मेरे जूते साफ करता, मैं तेरा जूते जैसा मुंह नहीं साफ कर सकता। ए, चाय वाले, खबरदार जो मेरे कप्पू के बारे में कुछ भी कहा तो शाबाश, पत्ता साफ कर दूंगी इस मोहल्ले से तेरा। पत्ते खेलने वाली औरत। हम यहाँ से ना गए ना तो हम सब ने साफ हो जाना है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और चले जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब एक साथ सोना चाहिए। हाँ।
That is a good idea. मैं अपने चारपाई लेके आया था. Good idea, good idea, good idea. आप इधर राजा, मैं सो जाता हूँ. और मैंने तुझे सजा के लिए सुना देना उधर राजा है. अच्छा तो ठीक है, मैं सो जाती हूँ. तुझे सजा के लिए मैंने सुला देना है. ये आप सबको सजा के लिए क्यों सुला रहे हैं? इंसान के लिए 8 घंटे की नींद काफी होती है. सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रही हूँ. क्या? अरे जैसे म्यूजिकल चेस करते थे ना, क्यों ना म्यूजिकल खटिया कर ले. गुड आइडिया. ये क्या बात हुई? लेकिन खटिया में म्यूजिक कहाँ होता है? अरे ये तो बहुत हंस रही है, लगता है हमारा शो बड़ा पसंद है. आमी मॉम जॉली का. मैंने कहा था ना क्या भूत है, अब बोलो कुछ. होगी बोलती बंद है. रोड़ा साहब, रोड़ा साहब, रोड़ा साहब. अरे अरे भाई वाह, कितना बहादुरी वाला काम करके गया. अगर सुबह होने तक तुम लोगों ने ये मोहल्ला खाली नहीं किया तो मैं सबका खून पी जाऊंगी. मेरी बात सुनो, हम मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं. हम जा रहे हैं ना. हाँ हाँ, चलो 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 चलो. बेटे इधर, बेटे बेटे. बोल मटोल. मैं तो जा ही रही थी. मैं तेरा खून पी जाऊंगी. नहीं नहीं मत पीजिए ना. नहीं नहीं मत. ये क्या कर रही है? देखिए ऐसा मत कीजिए. नहीं देखिए ऐसे मत कीजिए. मैं तेरा खून पी जाऊंगी. अरे क्या कर रही है? अरे आप भूत हैं. चुड़ैल है, चुड़ैल, चुड़िए. अरे यार हेलो. अरे कहाँ है चुड़ैल? मैंने चुड़ैल देखी नहीं. मैंने ताजमहल देखा, मैंने कुतुब मीनार देखा, मैंने आज तक चुड़ैल देखी नहीं है. अरे बेटी सरला, ये क्या अलना रखा तुमने? मैं सरला नहीं, चुड़ैल हूँ. अरे चुड़ैल हो तो चिपट जाओ फिर. आप खड़ी क्यों है? दफा क्यों नहीं होती यहाँ से? आधी रात को मर्दों की आवाज में हंसने वाली औरत, मुझे तुम्हारी हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई. अब वो भी नहीं करने को दिल कर रहा.
अमिशाती मैंने तुम्हारे लिप्स पे मोबाइल मारना है। मैं अरे तुम्हारे गले में बेस बड़ा वैसे, मुझे तो लगता बेबी को बेस पसंद है। पर मेरे को तेरा फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो टेढ़ा कर दे और गंदा लगता है। मेरे पास तुम्हारे एक आइडिया है, तुम अपने आप को बर्तन वाले को दे के एक कटोरी ले लो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट टेम्पर, 3 दिन 4 रातें वॉशिंग मशीन में फ्री। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? आ रही है तो अभी बताती हूँ तुझे। अब बहुत हो गया। ये देख, ये क्या है? ये आज ये तो है। अच्छा आपके पास टूथब्रश है? मेरा खराब है। मैं टूथब्रश बेचने नहीं आई हूँ यहाँ पर। तो बेचा करो, 4 पैसे आएंगे, शैम्पू खरीदना अपने बालों पे करना। मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ कितना गंदा लग रहा है। एक बात बताओ, ये जो आपने सर के ऊपर फार्म हाउस खोला है, इसके अंदर तकरीबन कितनी जुए पाल लेती हैं आप एक टाइम पे? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये पक्का जुए के साथ जुआ खेलती है। मैं जुआ भी खेलती हूँ और खून का खेल भी। अगर 2 घंटे में तुमने ये जगह खाली नहीं की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी मैं जा रही हूँ। क्या कहा नहीं, मैं 2 घंटे इधर बोर होऊंगा, इधर बैठो बातें करते हैं। अरे यार तारे भी बड़े रिश्तेदार पूछ छुड़े ले, इतना कोई एटीट्यूड दिखाता नहीं वैसे। मुझे इसको समझा लो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ओ फिर भाभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ही इज मैरिड। सिद्धू जी भूतों से नहीं डरते, वो बुखार यूनुस से नहीं डरते। इसी चक्कर में आउट हुए थे 1990 में। छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगी। जान ले लो, मैं डरता नहीं हूँ, मेरा पजामा वैसे ढीला है, मैं डरता नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हूँ? 2 मिनट बैठो, मैं इधर बोर होऊंगा, फिर क्या कर रही हो तुम? यार के बाद मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा हूँ, ऐसा कैसे छोड़? 2 मिनट रुको, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता। अपनी चार यार तूने मेरा चिन्ना राम कम किया हुआ था जो अब भूतों के पीछे पड़ा हुआ है। है तो MBA भी पढ़ जाता पर मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इधर तुमने जाना मत। एक मिनट, मेरे भूत को छोड़ो। मेरे तेरा भूत? तेरा भूत? हैं? हाँ, ये सब इस चाय वाले का किया था रे, इसने मुझे पैसे दिए थे भूत बनने के लिए। हजूर की टीचर आप? तो तू निकला आस्तीन का सांप? हाँ हाँ, बड़ी गंदी एक्टिंग कर रहा है। मैंने किया सारा कुछ। वाह, क्यों आखिर क्यों? एक गरीब आदमी करता तो क्या करता। इस सोसाइटी ने कभी मुझे इज्जत नहीं दी। देंगे भी नहीं। यहाँ तक कि मेरे चाय के पैसे भी नहीं दिए कभी इन्होंने। वो भी नहीं देंगे। मैंने सोचा था ये जगह खाली करवा के यहाँ पर मॉल बनाकर बेचूंगा। मुझे तेरी मजबूरी पसंद नहीं आई। और मैंने मजबूरी में ये फैसला ले लिया। पीछे हट जाओ, अंडा देने वाला है। यार कोई सीरियस नहीं है। इसकी तो सजा मिलेगी तुझे। बराबर मिलेगी। कहती हूँ पुलिस को बुलाओ। देखो देखो, पुलिस को बुला के अपने मोहल्ले का आदमी बिल्कुल बुरा है। एक काम करो, चद्दर इसके मुंह पे डालो, इसको पीटते हैं। मेरी सुन ले, मेरे चद्दर डालो मुंह पे। काम की देखो, सारी रात खराब किया तुमने। बड़ी मार खाने गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, हाँ जी, आपने कभी बब्बर शेर को गाते हुए सुना? दहाड़ते सुना है। दहाड़ते सुना ना?
माइक पे दहाड़ते हो सुना कभी किसी पब्लिशर को? आज आपको मिलवाते हैं, एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है, चार साहिबजादे, द राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर। इस फिल्म में इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज दी है। ये मेरे जैसे सिंगर जहां पे खत्म कर देते ना, ये उसके कई सौ किलोमीटर आगे जाके शुरू करते हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुखविंदर सिंह। इतनी बुलंद आवाज है उसकी जितना ऊंचा आसमान है। नाज है तेरे गीतों पे सबको, तू सुरों का अभिमान है। जब भी सुना मैंने चक दे इंडिया, तो यूं लगा सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है, आगे गुरु। सुखी भाई जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पर ये हमारी इंडस्ट्री के सुतली बॉम्ब है। इतनी धमाकेदार आवाज है इनकी, ये बड़ी जल्दी, मुझे तो शक है कि गवर्नमेंट हमारी अनाउंस ना कर दे कि सुखिंदर जी आप रात 10 बजे के बाद नहीं गाएंगे। पाजी, इसके पीछे राज क्या है? इतनी बुलंद आवाज के पीछे आपकी आवाज सुनते तो लगता है कि कोई 9-9.5 फीट का आदमी होगा, कोई बड़ा सा पहलवान होगा, इतना बड़ा गला होगा। पाजी कैसे, क्या राज है इसका? बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे, उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा। वाह, क्या बात। अच्छा, सुखविंदर पाजी ने हर तरह के गाने गाए हैं, लेकिन पाजी पिछले 2-3 सालों में ना आपने तकरीबन इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अच्छा? पूरी इंडस्ट्री से टाइटल सॉन्ग तो सुखविंदर पाजी के अलावा कोई किसी से गवाते नहीं। इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी तेरी तरह इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स सबको देना चाहिए पाजी, तभी देश की तरक्की हो सकती है। Am I right? जोरदार तालियां पाजी के लिए। पाजी आइए। अच्छा, मैं पाजी आपको बड़े सालों बाद, आपके जितने भी लाइव शोज मैंने देखे हैं, आप ये हेडसेट ज्यादा आजकल यूज करते हो माइक पे, मैंने आपको बड़े सालों बाद आज अपने शो पे देखा है। हाथ से बदल देते हैं इंसान को। क्या उसके पीछे क्या हाथ? आज आपने नोटिस किया होगा सिद्धू साहब कि मैं इसको यहाँ पे रख के गा रहा हूँ। क्यों? जबलपुर में मैं आई वॉज डूइंग कॉन्सर्ट, और मैं मुझे छू ले गाना, मुझे छू ले मुझे, उसने छू लिया। तो शो में इतनी लाइटिंग होती है कि थोड़ा स्वेट भी हो जाता है, तो यहाँ होंठों पे मेरे शबनम फैली हुई थी, और ये भी थोड़ा मूड में आ गया था। तो ये एक्चुअली में हुआ था, ये एक्चुअली, तो यहाँ पर मुझे छूले छूले ऐसा, तो यहाँ पे लगा बाई चांस करंट है, इजाजत थोड़ी लेता है सर। तो लगा मैं सिद्धू साहब जरा तड़फे हैं उठते स्टेज। सर जी, मोहतरमा और बिजली का करंट जब लगा ना, बंदा पानी नहीं मांगता। आपको कोई टाई वाला केस हुआ था ना भाजी किसी इवेंट में अभी, कुछ क्या हुआ था वो? सिद्धू भाजी, वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो मैं थोड़ा हाइड करके भागना चाहता था, यानी स्टेज के पीछे से ही गाड़ी खड़ी की थी कि वहाँ पे मैं जाऊँगा और सीधा वहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड पतली गली से, तो पतली गली से निकल जाऊँ। कोई एक शिकारी को ये प्लानिंग पता चल गई। उस कॉन्सर्ट में मैंने टाई पहनी हुई थी, रेड कोट एंड टाई, वो टाई पकड़ के सिक्योरिटी वाले आए भी और उस वो लटक गया, कहता मेनू ये टाई चाहिए थी, मेनू ये टाई चाहिए थी मुझे। अब आप सोचो, सामने वाला खड़ा है और टाई पकड़ी हो और वो लटक जाए, वो तो जिंदा हम लटक जाएंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओ भाई तेरे को टाई देता हूँ, 2 मिनट का सफर तो कर। 2-4 लोगों ने उसका हाथ भी पकड़ा, मैं टाई कैसे भी करके मैनेज करके उतार के दी, और मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख गया, कहता एक और ले लेना। आपका गाना था भाजी, प्यार होता है तो होता है, हाँ या होता, या ही, होता नहीं। ही नहीं जी। नशा ही नशा है, आपने सुना भाजी? ना यार, सुना। नशा ही हो जाता है भाजी सुन के। अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल बात मेरे लिए वो होती है जब मेरे साथ में कोई बड़ा खड़ा जो शख्स
मेरा गाना सुनने के बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ये स्कूल टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत तब मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। पाजी आप इतने समय से आप हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं, अब हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। हालांकि आपको पता चल गया होगा पाजी, म्यूजिक की दुनिया में ब्रदर्स जो हैं बहुत हुए हैं। आपको ऐसी दो सिस्टर्स से मिलवाना जा रहा हूं जिन्होंने सूफी गायकी से जो है एक नई मिसाल कायम की है। फिल्म चार साहेबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह, उनमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नूरा सिस्टर। मैं देख रहा था पाजी, इतने सालों से हम सुखविंदर पाजी को सुनते आ रहे हैं, आज पाजी इनकी गायकी का मजा ले रहे थे, कमाल कर दिया आप दोनों ने। हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और हम बड़े बड़े समय से चाहते थे कि आप हमारे शो में आए। प्लीज यहाँ पे विराजमान। ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसे में चले जाऊंगे महाराज, कमाल कर दिया, बम निकाल दिया। गीत गजल या कवाली, हर लफ्ज इनका सदा बहार है। गीत गजल या कवाली, हर लफ्ज इनका सदा बहार है। धड़क उठे हैं दिल, बज उठे वीणा और सितार। सुरों की साधना में अपना पूरा जीवन देने वाली इन दोनों बहनों का संगीत से नाता बड़ा दमदार और सदाबहार। कमाल कर देता। और पुत्रा तू दे मैगना आसमान जा वजी है तेरी आवाज, क्या बात है, बम कर छड़े, बम संगीत, ठोको भाई ठोको। आओ जी आओ, बैठिए बैठिए, आओ पाजी। अच्छा, दो जिस्म एक जान हमने सुने थे, दो आवाज और एक गीत, और इतना बखूबी निभाते हैं लोग स्टेज पे कि मतलब कमाल है। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, हमने जब भी इनको सुना है, देखा है नूरा सिस्टर्स के नाम से, तो इनमें से एक का नाम है ज्योति और दूसरे का नाम है सुल्ताना। तो पहले तो हमें ये बताइए, आप में से ज्योति नूरा कौन है, सुल्ताना नूरा कौन है? ज्योति नूरा ये है जी। ओके, सुल्ताना नूरा मुझे पता था, मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा था। अच्छा, ज्यादातर पाजी ट्रेडिशनल फैमिलीज में लड़कियों को गाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, पर आप दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी, और मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों को देख के हर माँ बाप चाहेंगे कि उनकी जो बच्चियां हैं उनका नाम रोशन करें। ये नूरा सिस्टर्स अपने आप में एक मिसाल है। इनके पूरा परिवार जो है टैलेंट से भरा पड़ा है, बाहर पेमेंट जाने नहीं देते। तो इनके पिताजी हैं जो बहुत अच्छा हारमोनियम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं जो यहाँ पे तबले पे आप इनको देख रहे हैं, और दोनों बहनों को तो आप सुनते ही रहते हैं, और मम्मी भी पक्का ही गाती होंगी फिर? नहीं, मम्मी गाती नहीं है। आता होगा पक्का, बताती नहीं होगी किसी को। हाँ। अच्छा, आप दोनों मिलके गाती हैं, तो आप डिसाइड कैसे करती हैं कि ये लाइन मैं गाऊंगी ये तू गाना? कभी ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठी रहो, म्यूजिक खाली निकल गया हो? ऐसा तो नहीं कभी हुआ? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि हम दोनों डिसाइड तो करते नहीं इतना। अच्छा। क्योंकि पापा को पता है हम दोनों झगड़ते बहुत है आपस में। अच्छा। क्योंकि फिर वो ही कंपोजिशन बनाते हैं और वो ही लिरिक्स देखते हैं। ओके। तो फिर उनका ही सारा होता है कि इनकी लाइन पहली होगी और दूसरी लाइन मेरी होगी। अच्छा। वो ही डिसाइड करते हैं। पाजी, ये बात कहां तक सच्चा, आपको दीपिका पादुकोण पे बड़ा क्रश है? हमने सुना है कहीं से। क्रश तो आपको भी है। वही वही मैं इसलिए कि जब आपको पता था ऑलरेडी मेरा क्रश है, फिर आप मतलब। और यार क्रश तुम्हारा और मेरा क्या करेगा, बाजी तो बाजीराव ले गया। हेलो हेलो, ओ हेलो, कौन है आप दोनों, किनका बच्चा लेके भाग रही हैं आप? अच्छा, बच्चे की बात देखो, कर कौन रहा है, जो खुद शादी से कोसों दूर भागता है। यार बोल के सारा सस्पेंस मार दिया तुमने। चंदू तू ये क्या पहन के घूम रहे तुम लोग? हाँ तो कुछ पहन कर ही घूम रहा, मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ मैं। यही बात मेरे से क्यों नहीं पूछी? आप क्या पहन के घूम रहे हैं आप? मैं ये पहन के घूम रहा हूँ जो दिख रहा है भाई। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये बड़ा है, ये कुछ भी पहन लेते हैं, आज तो फिर भी सामान कम पहना हुआ है।
सुखी बाजी अनुरा सिस्टर की हाल है बाजी वाह 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 हेलो जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब पूरा माहौल बना हुआ है हेलो डॉक्टर साहब इधर बैठिए बैठिए राम से बात करिए ऐसे कौन आराम दिलाता है भाई बट कपिल शर्मा जी कैन आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू आर एस्टीम्ड गेस्ट्स जी जी प्लीज आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी डॉक्टर मिश्र गुलाटी हेलो डॉक्टर मिश्र गुलाटी हेलो हेलो जी एमएलए अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर अभी कह रहे हैं एमएलए एमएलए क्या मतलब सिद्धू साहब इनको एमएलए का मतलब नहीं पता इतने कंट्री में एमएलए हैं मुझसे मतलब पूछ रहे हैं आपकी एमएलए का मतलब क्या है भाई एमएलए का मतलब म्यूजिक लवर और देख एंड जी सारे आपके जो छोटे से परिवार है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार तो डॉक्टर साहब आपको कैसे पता इनका परिवार छोटा सा है तुमने सुना नहीं छोटा परिवार सुखी परिवार ओहो मेरे को हर चीज मेरे से पूछनी है ये तुम दोनों बने क्या हुए हो देखिए हम बताते हैं नूरा जी जैसे आपका बड़ा अच्छा नाम है नूरा सिस्टर्स तो हमने आपका नाम थोड़ा सा चुरा कर ना अपना ग्रुप खोल लिया है आप नूरा सिस्टर्स हैं हम नूरी सिस्टर्स बने नाम चुराने से क्या होता है नाम तो तेरा भी चंदन है कितनी गंदी स्मेल आती तेरे पास तो कोई बात नहीं कुछ आता या कुछ जाता थोड़ी है खबरदार खबरदार अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा क्यों नहीं होगा आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई हमारे ना ये खानदानी काम है ऐसे नहीं हम लोग ये लेके घूम रहे हाँ। कौन सा खानदानी काम आपके खानदान में कौन गाता था नहीं गाने का नहीं औरत बनने का मेरे डैडी को ना लड़की बनने का बड़ा शौक था वो तो इतना ज्यादा शौक था वो खुद की शादी पे दुल्हन बन गए थे मेरी बात ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन वगैरह कराओ ये तुम टाइम खराब कर रहे हो बहस वगैरह करा के हमारा जैसे मैं करवाता हूँ हाँ जी जैसे आप सब सुरों के बादशाह हैं ये सुरों के बादशाह हैं कीचड़ में लेट के गाते हैं इनको कुछ सुनता सुनता है नहीं इनको कीचड़ में यस लेट के गाते हैं देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट इन्होंने तीन चार बार आउट ऑफ कीचड़ गाने की हमने कोशिश की लोगों ने वापस कीचड़ में खींच लिया तो हमने कहा फिर आना ही है कीचड़ में तो टाइम क्यों वेस्ट करना इवेंट लंबा जाएगा तो कीचड़ में पहले ही रहो प्रोग्राम लंबा खींच जाता है कई बार डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप अपने ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हैं कितनी देर तक हम होल्ड कर पाएंगे तुमको पता ही है कैसे मतलब तुमने यहाँ गाया नहीं हमारी बेइज्जती हुई नहीं ये तो होना ही है तो कोई बात नहीं बेइज्जती से वैसे मेरा याद आया यू नो वी हैड ए इवेंट इन दुबई ओह लास्ट वीक दुबई आप कहाँ चले गए पासपोर्ट आपके पास है नहीं राशन कार्ड में वीजा लग गए थे नहीं नहीं वहाँ पे इतनी इतनी मिट्टी थी वहाँ पे रेत था बहुत नहीं वो रेत नहीं थी वो जुहू बीच था गड्ढे में गाड़ा हुआ था आपको अच्छा हाँ जी अभी मैं कहूँ मेरे मोबाइल पे इंटरनेशनल रोमिंग के चार्जेस क्यों नहीं आ रहे सर ऐसा क्या गाया था आपको जमीन में गाड़ दिया उन्होंने भाई ये तुम्हारी जो फरमाइश करने का स्टाइल है मुझे बड़ा अच्छा लगा सीधा ही बोल देना कि गा दो डॉक्टर साहब प्यार है ऐसा क्या है आओ जी मैंने कब कहा गा दो अब हम बैठ गए डॉक्टर साहब माइक तो हैंड स्टैंड पे गाओगे आप हैं जी गाने में माइक लगता है अरे सुर कौन सा चाहिए आपको आई एम वेजिटेरियन मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कॉल कर रहा है आपको मैं लिटा के मारूं आप मेरी बात सुनो शरेआम आप नूरा सिस्टर का गाना उसको तोड़ मरोड़ के आप गा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपका गाना ये आप मुझे बड़ा सीधा यहाँ पे ला रहे हैं आप भी तो तोड़ में तोड़ रहे हैं मेरे को ये शरेआम पटाखा गुड्डी उन्होंने गाया गाना तो पटाखा गुड्डी है ना हमारा तो पटाखा पड़ा मुंह पे है देयर इज चेंज ऑफ लिरिक्स ओह लवली लवली पटिया अगर है उनका तो मेरे को यकीन नहीं है इस बात का कि ये उनका गाना है जी जहाँ तो हमें प्रूफ गाकर बताएं कुछ थोड़ा सा ये तो प्रूफ कर रहे हैं हाँ जैसे डॉक्टर साहब ने प्रूफ किया क्योंकि भाई माहौल बना हुआ है मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ मेरा बड़ा एक फेवरेट है मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ और मैं जुगनी केंदी है थोड़ा सा चाहे जितना आपको कंफर्टेबल हो चार लाइनें पाजी
As a doctor, I want to say something to this sir. To Nura sisters that I am sorry कि मैंने try किया गाना. Yeah, तो मैं जाऊँ तो. जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ इसने राव चले. अब जो आ रहे हैं जो फनकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ये इनका डिफरेंट स्टाइल है डिफरेंट तरीके का गाना है और इनके पहले ही एल्बम से लोगों ने इनको सर आंखों पे उठा लिया था आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम सरदार रॉक स्टार रवि शेरगिल फिल्म बड़ी देर से चल रही है लेकिन इससे पहले कि मैं रब्बी पाजी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं पाजी पहले तो अब ये रिकॉर्ड सुन रहे थे हम लोग लाइव सुनना पाजी को हाँ बुल्ला कौन कौन सुनना चाहता हाथ खड़ा करो जरा कपिल भाजी ये आपकी जर्रा नवाजी यहाँ इतने उस्तादों की महफिल लगी हुई है यहाँ आपने यंकी जट्टों को बुला लिया है इनकी दाल नहीं गलनी है पर फिर भी जिन्ने जोगे हैं भाजी करांगे जरूर सो स्वीट भाजी आप आपका अंदाज सबसे अलग है अच्छा मुझे रवि भाजी से एक बात पूछनी थी भाजी जब मैंने आपको पहली बार बुल्ला सॉन्ग सुना तो मैंने वीडियो नहीं देखा था मैंने ऑडियो सुना था तो मुझे लगा किसी गोरे ने गाया क्योंकि पंजाबी उसकी वर्डिंग जो है बाबा बुल्ले शाह का कलाम है और आपने इतना स्लैंग पाजी एक तो होता है कि आपके गुरु से आपके अंदर आती हैं चीजें पाजी ये स्टाइल कैसे आपने कैसे सोचा कि आपने ऐसे गाना है आई ग्रू अप इन दिल्ली लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ 80s यूएस टॉप 20 यूएस टॉप 40 तो मेरी जो आप मान ले कि जो मेरे हीरोज थे वो सारे थोड़े से वेस्टर्न थे और अब इस बात को मैं ओपनली सबके सामने मानना चाहूँगा कि मैं जो हूँ एक कोकोनट हूँ जी नारियल मैं ब्राउन ऑन दी आउटसाइड एंड वाइट ऑन दी इनसाइड अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ फिल्म चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर हैरी बवेचा साहब जोरदार तालियां उनके लिए हरी सर आइए इधर विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां सर सबसे पहले तो आपको चार साहिबजादे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और अब जो आपकी दूसरी फिल्म आ रही है चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह उसके लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं लोग इंतजार कर रहे हैं पर सर मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि चार साहिबजादे इतनी कमाल की आपने फिल्म बनाई उसके बाद ये वाली फिल्म जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि ये कहानी को आगे ले जाती है जहाँ हमने पिछली फिल्म खत्म की थी एक सही मायने में जिसे हम सीक्वल कहते हैं जहाँ वो फिल्म ख़त्म हुई ठीक वहीं से ये शुरू होती है उसी दीवार से जो टूट के गिर गई थी सो कोशिश की है कि उससे बेहतर हो हमेशा ये कोशिश होती है क्या बात है सर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं भाई फिल्म में बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि जो सच्चाई है उसके आगे जो बुराई है वो घुटने टेक ही देती है एक डायलॉग बड़ा मुझे अच्छा लगा सर कि सिख की कृपान जो है वो कृपा के लिए उठती है जुल्म के लिए नहीं सो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ है फिल्म में जी इसको धक्का मार मार के तो हमारा सांस ही फूल गया अरे घबरा मत मर्द बन मर्द बन इतनी मुश्किल से औरत बनी अब दोबारा मर्द बन जाए अरे संतोष छोड़ उनको देखना इनको देख इतने लोग बड़े बड़े कलाकार बैठे अरे 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 हाँ आप लोग आए हुए नमस्ते 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 हम किए रब्बी जी को नहीं किया तुमने नमस्ते उनको नहीं जानती क्या ना ना हम तो उनको जानते हैं लेकिन वो खुद को ही नहीं जानते मतलब कब से पूछते रहते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन आपको पता है ज्योति सुल्ताना जैसे आप लोग छोटे से शहर से निकल के आज वर्ल्ड फेमस हो गई हैं पर इनको कोई नहीं जानता बेटे आपका मुंह पसंद नहीं आया है
हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या है कि हमको कोई चांस देता नहीं है, इसके लिए हम अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है। और हमको ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात का कि आप तो रिकॉर्डिंग करने आएंगे ना, इसलिए हम स्टूडियो ही दे लिया है। सुखविंदर जी इधर आइए, आप मुहूर्त कीजिए स्टूडियो का, हम लोगों ने बनाया है तो आप आइए गाना गा दीजिए। अरे ऐसे कैसे है, अकेले थोड़ी गाना गाएंगे, हम भी गाएंगे इनके साथ। गा दीजिए, डुएट गा। देखिए चलिए, टैलेंट से टैलेंट टकराएगा तभी तो टैलेंट का मलबा बाहर आएगा। आइए ना हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो में आइए आइए आइए, अरे आइए ना आइए। देखिए साउंड बाहर नहीं निकलना चाहिए, दरवाजे को बंद कर दीजिए। अरे बंद कीजिए। अरे गाने, अरे गाना गाइए, गाना गा। अरे देखिए हम और नहीं खोलिए, थोड़ा खोलिए। अरे देखिए थोड़ा सा छोटा बन गया है स्टूडियो। कोई बात नहीं, अगर गाना नहीं हुआ तो इनका सम्मान कर दीजिए सुखविंदर। देखिए चलिए आपका सम्मान में ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक मिनट इधर आइए, दोनों का फोटो खींच लेते हैं। फोटो हो गया, अभी हम आशीर्वाद भी ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये गृह प्रवेश करेंगे। अरे आइए आइए, कितना है, अच्छा है, बढ़िया हो गया। अच्छा सुनिए, आप दोनों का शादी हो गया है, अब यहाँ पे आप हनीमून मनाइए। ओए ये तुम लोग क्या कर रही हो, धोखे से शादी करा रही हो? तुम लोग तो एल्बम बनाने आई थी अपना। हाँ तो बना तो दिया, अब इनकी शादी का एल्बम मैंने फोटो खींचे तो है। गुजारिश करते हैं कि इनका विदाई का गाना गा दो, हमारे सिर से बल्ला टली। चलिए बाय। कहाँ बाय? अरे आज, अरे मैं तुम्हें एक बात कहनी भूल गया। क्या? गड़त बदतमीज औरत, ये इनकी बातों में कहाँ आगे बाजी, ये बहाने बहाने में शादी कर लेती है, 115 शादी कर चुकी है। अरे शादी सबसे होती है, टोली कोई नहीं लेके जाता इसकी। अबे डॉली का काम ये तुम्हारा, वो भी ये लो, चल चल, एक बार सारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ बाजी, एक कम लोग सेल्फी लेते हैं। हम ये रहे ये रहे, तुम्हारा मुंह आ रहा बाहर हो। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाजत लूं, मैं चाहूंगा कि बाजी फिल्म चार साहिबजादे से जो आपका गाना है वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि जब ये गाएंगे फिर मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहूंगा, तो मैं आपसे पहले विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप कोशिश करें कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने गली मोहल्ले में अपने शहर को साफ रखें, आइए मिलजुल के अपने देश को स्वच्छ बनाएं, और आइए सुखी पाजी से एक गाना सुन के अपने मन को मंत्रमुग्ध बनाएं, और देखते रहिए।